हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द प्लांट किंगडम। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा सा पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है हमारी बुक में, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका एक अलग से चैप्टर है। तो जिन जिन के चैप्टर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अगले चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर हम अभी बेसिक आइडिया एक ले लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो एट 1.25x। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे का मतलब होता है किंगडम प्लांट्स। सो जितने भी तरीके तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हमने किसके अंडर डाल दिए हैं, किंगडम प्लांटे इस पर्टिकुलर हायर कैटेगरी में डाल दिए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग हमारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेल है और वो यूनिसेलुलर है और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्लोरोफिल है, अब ये देखा जाएगा कि उसके पास न्यूक्लियस है या नहीं। अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियस है उसके पास, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो यूकैरियोटिक हो गया, है ना। तो अगर वो यूकैरियोटिक है तो हम कह देते हैं कि भाई वो यूनिसेलुलर एल्गी है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब वो यूकैरियोट नहीं हुआ, वो क्या हो गया, प्रोकैरियोट हो गया, है ना। तो प्रोकैरियोट को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये ना पीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। मतलब एल्गी नहीं है, एल्गी को पहले हम क्या ब्लू ग्रीन एल्गी पहले का एक टर्म है बीजीए। आज की डेट में अगर प्रोकैरियोट है और फोटोसिंथेटिक है और यूनिसेल्यूलर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इस चीज को क्लियर कर देते हैं और अब फिर आगे समझते हैं। एक सेकेंड जी, इसके आगे लिखा है कि उसको हम कॉमनली प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड द प्लांट्स। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली, पार्शली मतलब कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक हेटरोट्रॉफिक है, मतलब बाहर से कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं और इसी वजह से हम उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है जो इंसेक्ट पे फीड करता है या फिर वो पैरासाइट्स है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन की कमी है प्लांट में, और प्लांट में नाइट्रोजन की कमी इस वजह से है क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन ही नहीं है, सॉइल में ही नाइट्रोजन की कमी है। अब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, उसकी रूट्स है और ये प्लांट है हमारा, अब इसको यहां से तो नाइट्रोजन मिल लेगा तो, क्योंकि सॉइल में है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 78% के आसपास हमारी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। अगर हमने नॉर्मली टिश्यूज में इतनी नाइट्रोजन प्लांट ने यूज कर ली, प्लांट का टिश्यू टॉक्सिक हो जाएगा और प्लांट खुद ही मर जाएगा। तो प्लांट ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला। क्या क्या ऑल्टरनेटिव निकाला, हमें एनर्जी किससे मिलती है, प्लांट से। प्लांट ने कहा कि भाई मैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फंसा सकता हूँ। प्लांट ने एक ऐसा अट्रैक्टिव सिस्टम बनाया जिसमें इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट को फिर वो ट्रैप करके इंसेक्ट से क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है। लेकिन नरिशमेंट लेने का मतलब ये नहीं है कि केवल उस पर डिपेंड करता है, नहीं, ये नरिशमेंट केवल किस वजह से लेता है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का अमाउंट इसको पूरा करना है। तो मेन जो है इसका सोर्स नाइट्रोजन का, वो इंसेक्ट्स है। तो इंसेक्ट को फंसाने के लिए पूरे पूरे ये स्ट्रक्चर्स रखता है। आपने सुना भी होगा ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। और पैरासाइट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल कसकटा, तो देखिए ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये दोनों इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। और कसक्यूटा जिसके बारे में आपने 10th में पढ़ा है, कौन सा, अमर बेल, है ना, तो दैट इज अ पैरासाइट। तो वो एक पैरासाइट की तरह से वर्क करती है। द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब बिल्कुल साफ दिखने वाला, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है एक प्लांट सेल के सेल में, और हमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है, यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल इन चैप्टर नंबर 8। यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, लेकिन जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, और अब यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज एक डिटेल दी है कि जो किंगडम प्लांटे है उसकी बेटा 5 कैटेगरीज है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज है टोटल, 5 कैटेगरीज है। सबसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड दी एल्गी, दूसरी कैटेगरी जो है वो है ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आती है जिम्नोस्पर्म्स,
और सबसे लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म्स। सो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है? हाँ, अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका इवोल्यूशन मतलब ये एक दूसरे से डेवलप हुए हैं। मतलब एल्गी डेवलप हुआ है ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट डेवलप, सॉरी उल्टा बोल गया, एल्गी से डेवलप हुआ है ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट किससे डेवलप हुआ? एल्गी से। अब हम कहते हैं टेरिडोफाइट, तो ब्रायोफाइट आगे जाके क्या बना? टेरिडोफाइट बना। टेरिडोफाइट आगे जाके क्या बना? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आगे जाके क्या बना? एंजियोस्पर्म। तो ये एक सीक्वेंस है, डायरेक्टली एंजियोस्पर्म जो लास्ट कैटेगरी है वो नहीं आई है, पहले क्या बना है? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम आया है। ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में, कि सबसे पहले एल्गी आया था। ठीक है, ओके। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब ये टर्म है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब एक अलग चीज होती है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 80 यानी कि 80 साल तक जिया है, तो हम कहते हैं कि भाई दो इवेंट्स हैं उसकी लाइफ में, उसने बर्थ, उसका बर्थ हुआ और उसकी डेथ हुई, और बीच का टाइम पीरियड है 80 ईयर्स, है ना। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल अलग अलग चीज होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइफ साइकिल, तो लाइफ स्पैन तो हो गया जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने साल तक जीता है वो तो उसके उसका लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो कैसा रिप्रेजेंटेशन है समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है ए, वो उसके अपने जो अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मान लीजिए वो बाइसेक्सुअल है, तो उसने मेल गैमेट भी प्रोड्यूस करा, उसने फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसके बाद ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, उसके बाद ये जाइगोट जो है पहले एक छोटा सा प्लांट बनाता है, मान लीजिए एक्स वाई करके, एक्स वाई नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं नाम, मान लेते हैं पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस नाम का एक प्लांट बनाया है इसने। अब ये पी क्यू आर एस नाम का प्लांट जो है, फिर ये फर्दर एक और स्पोर्ट्स डेवलप करता है। आपने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है पिछली क्लास में, 10th क्लास में स्पोर्ट्स के बारे में, है ना। तो स्पोर्ट्स डेवलप करता है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स जब किसी भी स्ट्रक्चर में पड़ते हैं और वो ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं स्पोर्ट्स, तो वो क्या बनाते हैं? वो ए बनाते हैं। तो उसका जो पैटर्न है कि मतलब जो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल फीमेल गैमीट, फिर जाइगोट आएगा, फिर एक प्लांट आएगा, फिर वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिर अडल्ट आएगा, फिर गैमीट आएगा, फिर, तो ये एक पैटर्न बता रहा है। तो लाइफ साइकिल का मतलब है पैटर्न, रिप्रोडक्शन का पैटर्न, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसका पैटर्न। तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म ले या कितने भी ऑर्गेनिज्म ले, हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर नहीं चल रहे, हम क्या कर रहे हैं उस स्पीशीज का, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म का ये पढ़ रहे हैं कि वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत कर रहा है, कैसे बिता रहा है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कोई भी लाइफ साइकिल होती है, तो या तो डिप्लॉयड होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक, या फिर वो हैप्लॉयड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना सा, ये फिलहाल हैप्लॉयड वाला पार्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो यहाँ पे जाइगोट बना था, ये वाला, इसके अंदर अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मियोसिस हो रही है, क्या हो रही है? मियोसिस। तो पता है क्या होगा? इतना पोर्शन कौन सा? लेफ्ट वाला, इस लाइन से लेफ्ट वाला पोर्शन। अब हम कहेंगे कि इतना पोर्शन तो भाई हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें मियोसिस हो चुकी है। ठीक है, मियोसिस हो चुकी है, तो मियोसिस में क्या होता है? 2n से n हो जाता है ना, 2n से n हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो वो हैप्लॉइड होता है, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। उसी चीज को प्लांट्स में हम किस टर्म से, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? डिप्लॉयड हुआ तो स्पोरोफिटिक, और अगर हैप्लॉयड हुआ तो वो गैमेटोफिटिक। ठीक है, तो हैप्लॉयड के लिए गैमेटोफिटिक और डिप्लॉयड के लिए स्पोरोफिटिक, दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। मतलब देखिए, एक बार हैप्लॉयड आएगा, प्लांट के पैटर्न देखना है, ऑर्गेनिज्म में देखना है, तो एक बार हैप्लॉयड आएगा, फिर डिप्लॉयड आएगा, फिर से हैप्लॉयड आ जाएगा, तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ये आते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, एक के बाद एक ऑल्टरनेट वे में आते रहेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस
whether these phases are free living or dependent on the others vary among the different groups of plants. Matlab ki length haploid zyada lamba duration rahega ya fir diploid zyada lamba duration rahega ya fir aisa bhi ho sakta hai ki ye jo haploid wala part jo hai ye pq wala jis maine bataya tha ki plant jo banega ya fir jo ye a wala jo plant banega theek hai ye a wala jo type hai plant ka ye jo hai ये डिपेंडेंट रहेगा या फ्री लिविंग रहेगा इस पर डिपेंड करता है. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से ये कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है ओके. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसी चीज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. अब अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं आपको एक बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से बता. देखिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है ना, तो उसके अंदर अगर हम लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर अगर लाइफ साइकिल देखना चाह रहे हैं, वैसे तो प्लांट के अंदर बता रहे हैं, तो प्लांट के अंदर चलिए प्लांट के अंदर ही देखते हैं कि ह्यूमन प्लांट किंगडम से अलग हो जाएगा. तो मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट का नाम है ए. ठीक है, उसने फ्लावर्स प्रोड्यूस करे और फ्लावर था बाइसेक्सुअल, तो उसने मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स दोनों फ्लावर के ऑर्गन्स एक ही फ्लावर पे दिए. ठीक है, इन दोनों ने फ्यूज करा और बना दिया जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट जैसे ही बना हमने ये देखा जाइगोट में हो जाती है मियोसिस. क्या हो जाती है? मियोसिस. और एक अब मियोसिस के बाद जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बनते हैं वो स्पोर्ट्स ऐसे ये स्पोर्ट्स ग्रो होते हैं और यहाँ पर अब एक पी क्यू आर एस नाम का एक प्लांट बनता है. क्या बनता है? पी क्यू आर एस नाम का एक पर्टिकुलर प्लांट बनता है. ठीक है, अब ये पी क्यू आर एस प्लांट जैसे ही बड़ा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ए प्लांट में. तो पता है क्या हुआ यहाँ पर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस जगह यहाँ पर ये वाला पार्ट ये हैप्लॉइड हो गया, ये डिप्लॉइड वाला पार्ट हो गया. बल्कि डिप्लॉइड वाला तो इतना ही रहा, ये भी आपका हैप्लॉइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो ये वाला भी हैप्लॉइड में आ जाएगा क्योंकि मेल फीमेल गैमेट है. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन लाइफ साइकिल क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ओके. ठीक है, अब आते हैं एनिमल किंगडम पे. तो एनिमल किंगडम में क्या चीज है और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है और किस तरीके से हम पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं. तो द एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया जिसको बोलते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटरोट्रॉफिक. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो भी इसमें इंक्लूड होंगे वो सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे पर डिपेंड होंगे. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे सारे के सारे, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड देयर सेल लैक द सेल वॉल. उनके अंदर सेल वॉल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं. अच्छा, सेल वॉल क्यों प्रेजेंट नहीं है? इसका कुछ फायदा तो होता अगर होती तो? नहीं, एक्चुअली में सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है. रिजिड का मतलब क्या है? कि अपनी शेप को चेंज नहीं होने देगी. अब जब शेप चेंज नहीं होगी लेकिन सेल जो एनिमल का सेल है उसको चाहिए फ्लेक्सीबिलिटी क्योंकि उसको तो मूवमेंट करना है. तो जब उसको मूवमेंट करना है खाने की तलाश में एक प्रेडेटर से बचने के लिए, एनिमी से बचने के लिए, तो उसको तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. लोकोमोशन शो करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. और ऐसे में अगर एक रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रेजेंट हो गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, है ना. इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर फूड. वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. डायरेक्टली तो पता ही है वेजिटेरियन. इनडायरेक्टली का मतलब मान लीजिए जैसे कि शेर है वो घास नहीं खाता, तो लेकिन वो एक ऐसे एनिमल को फीड कर ऐसे एनिमल को पकड़ता है जो कि घास खाता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि शेर इनडायरेक्टली घास खा रहा है, लेकिन उसका खाना तभी पॉसिबल है अगर प्लांट्स अवेलेबल हो तो. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. उनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी, चाहे वो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, एक अंदर एक कैविटी होती है. जैसे हमारे अंदर स्टमक है, हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये कैविटीज है जहां पर फूड का डाइजेशन होता है. और फिर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को रिजर्व मटेरियल में एज ग्लाइकोजन और फैट. देखिए प्लांट में स्टोर होता है एज स्टार्च, लेकिन एनिमल्स में कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन या फिर फैट. ठीक है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं इज होलोजोइक. तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? इंजेशन ऑफ फूड. फूड को बाय माउथ माउथ में डालते हैं, चाहे वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हों, चाहे वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो. और कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको चबा के हम छोटा कर लेते हैं. फिर बाद में क्या होता है? उसको एंजाइम्स उसके ऊपर डालते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं.
तो मेन होलोजोइक का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स, फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इन टू अडल्ट, हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ का एक पैटर्न होता है और जो एक छोटा होता है वो एक अडल्ट में ग्रो करता है, ठीक है। जो छोटा होता है वो एक अडल्ट में ग्रो करता है और उनकी एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट साइज होता है। हायर फॉर्म मतलब कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, शो इलेबोरेट सेंसरी, इलेबोरेट मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से और बिल्कुल क्लियर कट वाले, क्लियर कट डिफरेंस के साथ, उसमें सेंसरी मतलब सेंस करने वाले जैसे कि मेरी आँख कान ये सब चीज़ें, और न्यूरो मोटर। न्यूरो मोटर का मतलब होता है न्यूरो और मोटर, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, मोटर मतलब मसल्स। तो नर्वस सिस्टम और मसल्स एक ऐसा टिश्यू भी होता है जो जहाँ पे नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो वो जो ज्वाइनिंग वाला जो उनका पूरा मैकेनिज्म है कि सेंस ऑर्गन ने एक पर्टिकुलर इनपुट दिया, उसके बाद न्यूरॉन्स ने किस तरीके से मसल्स को मूव करा, तो वो एक मैकेनिज्म जो है वो हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या है पता है? जैसे कि कोई पोजीशन है, ए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म चाहे वो अमीबा हो या ह्यूमन हो, वो ए पॉइंट से उठ के बी पॉइंट तक चला गया तो है लोकोमोशन। और अगर वो ए पॉइंट पे ही रहता है, चाहे अपने हाथ पैर कुछ भी लाता है, उसको बोलते हैं मूवमेंट। तो प्लांट अपनी जगह तो चेंज करते नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि प्लांट शो मूवमेंट बट दे कैन नॉट शो लोकोमोशन। तो एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन, दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक जाइगोट फॉर्म होता है जिसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही बोला गया है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। द सेलियंट फीचर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला, ये हम पढ़ चुके हैं फाइला क्या होता है, आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। तो प्लांट किंगडम को हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अब पढ़ते हैं अबाउट दी वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स। ये एक्चुअली में, ये जो चार पर्टिकुलर हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये एक्चुअली में टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आर एच विटैकर ने जो किंगडम दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठते, ना तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, कहीं पे भी फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए हमने इनकी एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है, ठीक है। लेट्स स्टडी कि क्या होती है वो सेपरेट कैटेगरीज। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच विटैकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स। वहां पर हम लाइकन्स को नहीं रख पाते हैं और नॉन लाइकन्स का आर एच विटैकर ने जिक्र करा है। सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ए सेलुलर मतलब जिनको हमने जब ऑब्जर्व करा हमें सेल नहीं दिखाई दिया, वो ऑर्गेनिज्म तो है या ऑर्गेनिज्म के जैसा है लेकिन सेल नहीं दिखाई दिया। हमने ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बना ली कि भाई जिसके अंदर सेल है, लेकिन पता लगा एक ऐसी एंटिटी भी है, एक ऐसा चीज भी है जो लिविंग की तरह से बिहेव कर रही है लेकिन उसके पास सेल नहीं है। तो उसको हमने बोला ए सेलुलर, मतलब जिसके पास सेल वाला स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। अब ये होते क्या है इसको देखते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, छोटी छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। वायरस को थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस। मतलब कि जिनको भी कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ है, हमें पता है कि वायरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी पे क्या क्या असर पड़ता है, हमें पता है। इवन वी डू नॉट एसोसिएट विद आवर कंडीशन, मतलब हम उसको अपनी कंडीशन से बिल्कुल मैच कर लेते हैं और हमें पता है। और अगर हमें मान लीजिए वायरस ने इन्फेक्शन कराया तो भी हमें पता है, और अगर नहीं करा इन्फेक्शन तो भी हमें पता है कि हमें ऐसा हो चुका है, तो वी रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो इनको क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली क्योंकि ये ना तो लिविंग में आते हैं ना ये डेड में आते हैं। इफ वी फर्दर इफ क्यों क्यों होता है ऐसा वो भी मैं बताता हूँ। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, तो मतलब जिसका सेल स्ट्रक्चर था उसको तो हमने कहा था कि वो लिविंग है। अब वायरसेस तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो हमने कहा कि ये ना तो डेड में आते हैं ना ही लिविंग में आते हैं। कौन? वायरस। क्यों डेड में क्यों नहीं आते और लिविंग में क्यों नहीं आते? देखो डेड
तो तब घोषित करेंगे जब ये कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये वर्क करता है, तो डेड वाला तो कैंसर, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अब बात आई कि लिविंग क्यों नहीं हम इसको मान लेते। एक्चुअली में जब तक इसको कोई लिविंग सेल दिखाई ना दे, किसको, वायरस को, ये डेड की तरह से पड़ा रहता है। तो जब ये लिविंग सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा, मान लीजिए लिविंग सेल है, इसके ऊपर वायरस बैठ के इन्फेक्शन इसमें करेगा, तब जाके वो लिविंग की तरह से बिहेव करता है। अदरवाइज अगर वो उसके आसपास लिविंग सेल नहीं है, तो ये जो वायरस है ना, ये डेड की तरह से बिहेव करेगा। तो ये कभी तो डेड की तरह से बिहेव कर रहा है, कभी लिविंग की तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई ये ना बाउंड्री पे है, ना तो लिविंग है ना डेड है। ठीक है, तो इसको हमने एक सेपरेट कैटेगरी बना दी है कि वायरसेस। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर, मतलब सेल के बने हुए नहीं है, ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब इनका एक इनर्ट क्रिस्टल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और ये हमें लिविंग सेल से बाहर जनरली मिलते हैं। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार इन्होंने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ये उसकी मशीनरी को हैक कर लेते हैं, उसको ओवरटेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ द होस्ट, होस्ट सेल मतलब जिसमें अटैक करा है, टू रेप्लीकेट देमसेल्स, ताकि वो खुद, वायरस खुद को रेप्लीकेट करने के लिए ऐसा वो सिस्टम को, उसके सेल को हैक कर लेता है, किलिंग द होस्ट। फाइनली जब उसका वो अपने आप को रेप्लीकेट करेगा, वायरस जब अपने नंबर बढ़ाएगा, जो होस्ट सेल है वो फट जाएगा, और जब कोई भी सेल फट जाता है तो वो तो मर जाएगा, है ना। सो वाई वुड यू कॉल वायरसेज लिविंग, और वुड यू कॉल वायरसेज लिविंग और नॉन लिविंग? तो ऐसा करने वाले को आप लिविंग कहोगे कि नॉन लिविंग? लिविंग कह सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ये तो डेड पड़ा है ना। तो इसको लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे, क्योंकि ये लिविंग के सिम्टम्स भी शो कर रहा है और कभी कभी नहीं भी शो कर रहा। तो फिर यहाँ एक थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, ओके, एक बार एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं वायरसेस का। तो ये स्ट्रक्चर है वायरस का, ठीक है, अलग अलग वायरसेस हैं ऑब्वियसली, तो और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं वापस। वायरस मीन्स वेनम, वायरस का असली मीनिंग जो है वो है वेनम, या फिर पॉइजनस फ्लूइड, मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि कहीं पे भी अगर जाता है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ठीक है, तो डिमिट्री इवनोस्काय रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। मोजैक का मतलब होता है, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको मतलब टोबैको में मोजैक डिजीज मिली। मोजैक का मतलब चितकबरे से निशान, मतलब कि लीफ पे ना कहीं पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़े होते हैं, या येलो येलो स्पॉट्स, उसको बोलते हैं मोजैक डिजीज। तो मोजैक डिजीज के बारे में उन्होंने स्टडी करा था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो जब इन्होंने वायरस के बारे में स्टडी करी कि ये तो वायरस की वजह से है, तो पता लगा ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्यों, कैसे पता लगा? बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इनके पास एक, डिमिट्री के पास एक एक फिल्टर बनाया था इन्होंने, जिसमें से बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं होता था, लेकिन वायरस उसमें से पास हो गया। तो इसका मतलब ये वायरस से भी छोटे हैं। ओके, एम डब्ल्यू बेजुनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन एज वायरस। मतलब इन्होंने कहा कि भाई मैंने ना एक छोटा सा सैंपल लिया जो इन्फेक्टेड प्लांट था, वहां से सैंपल लिया, और उस सैंपल को जो मैंने हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करा, उसको भी डिजीज हो गई। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि इस फ्लूइड में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लांट में इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने कहा इस फ्लूइड के बेसिस पे, इन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लिविंग है, क्योंकि इन्फेक्शन तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर ही कुछ इन्फेक्शियस लिविंग थिंग है। तो इन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब फ्लूइड ही जिंदा है, क्योंकि वायरस को ये देख तो नहीं पाए। तो इन्होंने कहा कि भाई वायरस जो है ना, उसके इस फ्लूइड के अंदर ही कुछ ना कुछ है, और ये फ्लूइड जो है यही इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो फ्लूइड है ये, इसके अंदर ही इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी है, और यही लिविंग है, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड एक इन्होंने टाइटल दिया वायरसेस को। ठीक है, ओके, अब आता है डब्ल्यू एम स्टैनली शोड दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, मतलब कि उनको क्रिस्टल बना करके वायरस का अलग से दे दिया, इन्होंने निकाल लिया, और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो उन्होंने अब जब क्रिस्टल्स निकाले वायरसेस के, और वायरस का जो क्रिस्टलाइज करा, वायरस का स्ट्रक्चर जब निकाला, तो वायरस में ये पाया कि वायरस के बाहर का स्ट्रक्चर जनरली किससे बना है, प्रोटीन से बना है।
एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल जो सेल है जिसमें इन्फेक्शन करते हैं अगर उससे बाहर निकाला जाए तो ये रिएक्ट किसी से करते ही नहीं है। अगर आप एसिड डाल देंगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, अगर आप इनको टच करते हैं तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन सेल के कॉन्टैक्ट में आते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, बाकी वरना कुछ नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब ऑब्लिगेट मतलब होता है ऑब्लिगेशन, मतलब बिना उस चीज के वो मर जाएंगे। तो अगर इनको एक बैक्टीरिया का सेल या फिर कोई और सेल, एक लिविंग सेल नहीं दिया गया तो वायरसेस जो है वो मर जाएंगे, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही डेड पड़े रहेंगे। तो दे आर ऑब्लिगेट, इन्हें एक होस्ट चाहिए, एक सेल चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए और अपना नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। तो प्रोटीन तो उसके अंदर होता ही है, जो मैंने आपको बताया, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है बाहर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड, कॉलर, स्टेल्थ, ये यहाँ पे जो ये आपको अंगूर से दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है बेटा, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे अभी डायग्राम को भी। ओके, तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इनके पास जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। अब इसमें एक चीज है, या तो उसके अंदर RNA होगा या फिर DNA होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो RNA या फिर DNA। तो नो वायरसेस कैन कंटेन बोथ RNA और DNA, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA और RNA प्रेजेंट होगा और प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, और उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। हमें कैसे पता, क्योंकि हमने एक बार प्रोटीन डाल के देखा, वायरस का प्रोटीन जो होता है बाहर का वो भेज के देखा सेल के अंदर, उसे कुछ भी नहीं हुआ सेल को, लेकिन एक बार आरएनए या डीएनए जो भी कुछ उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होगा, हमने वो जेनेटिक मटीरियल डाल के देखा, इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया में और लिविंग सेल्स में। तो इसका मतलब क्या चीज इन्फेक्शियस है, जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस है। In general, the viruses that infect plants have single-stranded RNA. अभी ये general बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल 100% नहीं होता है। क्या कि plants में जो infection होता है, वो single-stranded RNA वाले viruses की वजह से होता है। And the viruses that infect animals, जो animals में करते हैं, generally वो single-stranded भी हो सकते हैं, double-stranded भी हो सकते हैं, और infect वो RNA-based भी हो सकते हैं, और वो DNA-based भी हो सकते हैं। तो single-stranded RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर DNA वाला है तो सिंगल स्ट्रैंडेड वाला नहीं होगा, वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड वाला होगा। अगर नहीं समझ में आया, तो RNA अगर है वायरस के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन अगर वायरस के अंदर DNA है तो वो ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड है। किसके केस में, एनिमल के केस में। तो एनिमल में आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई एनिमल मेन वो इन्फेक्शन कर रहा है वायरस और उसके अंदर डीएनए है, तो ज्यादातर देखा गया है कि वो डबल स्ट्रैंडेड वाला है, ठीक है। ओके, द बैक्टीरियल वायरसेस और द बैक्टीरियोफेज, ये कहने का मतलब है ऐसे पर्टिकुलर वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। अब पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर में जैसे अंगूर से दे रखे, ये जो अंगूर है तो एक अंगूर का नाम तो है बेटा कैप्सोमियर। क्या नाम है, कैप्सोमियर, एक अंगूर का नाम, और पूरा का पूरा जो एक गुच्छा लगा हुआ है अंगूर का, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है, बात समझ आई। एक कैप्सोमियर, पूरा का पूरा कैप्सिड, उसी से स्ट्रक्चर बन, ठीक है। ओके, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, और जो कैप्सिड है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है। दीज कैप्सोमियर्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आर अरेंज्ड इन हेलिकल, हेलिकल मतलब एक घुमावदार, है ना, जैसे स्प्रिंग होता है, और पॉलीहेड्रल, जैसे कि ये वाला दूसरा वाला है, जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वायरसेस कॉज डिजीजेज लाइक मम्प्स, ये डिजीज होती है मम्प्स, एक जो हमारे ईयर के नीचे जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ईयर के नीचे यहाँ पर, है ना,
उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो हमारा लोअर जॉ वाला जो एरिया है वो स्वेलअप होके नीचे लटक जाता है मम्प्स पे। स्मॉल पॉक्स आपको पता ही है, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ऐसी डिजीजेस ये कॉज कर सकता है। जो एड्स का वायरस है आपको पता ही होगा, HIV वायरस, वो भी एक्चुअली में एक वायरस है और उसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, मैंने आपको मोजैक बताया है, बिल्कुल पैचेस पड़ जाना है ना, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, देखिए दोनों अलग चीज है। अगर एक लीफ बीच में से ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो रही है, लीफ इस तरीके से फोल्ड हो रही है, और एक है कि लीफ ऐसे पूरी फ्लैट थी, उसके बाद लीफ बिल्कुल आगे से फोल्ड हुई, उसके बाद वो अंदर की तरफ, स्टेम, यहाँ पे स्टेम होगा तो स्टेम की तरफ अंदर कर्ल हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। मान लीजिए स्टेम है, यहाँ पर लीफ है, तो लीफ अगर इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे रोल होना स्टार्ट हो जाए और ऐसे अंदर आ रही है तो ये अलग चीज है। और मान लीजिए एक ऐसे लीफ थी कोई और वो अब साइड से अंदर की तरफ आ रही है, वो एक अलग चीज, तो दोनों ये अलग अलग। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, अगर जो इनकी वेन्स हैं, जो नसें जो रहती हैं प्लांट्स, प्लांट की पत्तियों की है ना, उसमें अगर येलोइश बना जाए या वो क्लियर साफ सी होने लगे, सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई देने लगे वो, या ड्वार्फिंग, कोई प्लांट होना चाहिए था काफ़ी लंबा लेकिन वो स्टंटेड ग्रोथ में रह गया, छोटा रह गया, बूना रह गया प्लांट, तो ऐसी जो डिजीज होती हैं वो जनरली किसकी वजह से होती हैं? वायरसेस की वजह से हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये बैक्टीरियोफेज का है, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है, ये बोला। ओके, अब आते हैं वायरॉइड्स। वायरस तो अब हमने पढ़ लिया, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स, ये तीन चीजें बची है। जो हमने अभी वायरस पढ़ा था ना, वायरस पढ़ा था, वायरस माइनस अगर हम प्रोटीन करते, क्या करें? वायरस माइनस प्रोटीन, तो वायरस में तो दो ही चीजें प्रेजेंट थी, प्रोटीन और RNA या DNA। अब वायरस में से हम प्रोटीन हटा रहे हैं, और मान लीजिए RNA वाला वायरस था, तो RNA वायरस में से प्रोटीन हटा दिया हमने, तो क्या बचा? उसका RNA, RNA बचा ना, बिल्कुल, तो बस RNA, RNA बचा, तो वही क्या हो गया हमारा? वायरॉइड्स। वही क्या है? वायरॉइड्स है, समझ लेते हैं। इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब एक नया ही एजेंट था जो कि बीमारी फैला रहा था, जो कि वायरसेस से तो था छोटा, और वो क्या कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मतलब पोटैटो के जो जो ट्यूबर होते हैं, मतलब जो मोटा सा पोटैटो होता है वो पतला सा रह गया, छोटा सा पिदका सा रह गया, बिल्कुल छोटा सा। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री RNA, एक फ्री RNA था जिसके चारों तरफ प्रोटीन नहीं था। प्रोटीन होता तो हम उसको बोल देते कि वायरस है, लेकिन फ्री RNA था। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड, तो इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, वायरॉइड नाम की कैटेगरी में। द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, मतलब कि हमने जब वायरस के RNA से कंपेयर करा और इसके जो RNA था उसको कंपेयर करा, पता लगा कि RNA जो वायरस का, वायरॉइड्स का जो है वो लो मॉलिकुलर वेट का है, मतलब कि वो बहुत छोटा है लेंथ वाइज। लो मॉलिकुलर वेट का मतलब होता है छोटा सा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि लो मॉलिकुलर वेट मतलब उसका वेट ही कम था, ठीक है। प्रियॉन्स की बात करते हैं, तो प्रियॉन्स में बेसिकली प्रोटीन्स है, ठीक है, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब एक ऐसी प्रोटीन थी जो कि अलग, बहुत अलग तरीके से मुड़ी हुई थी, और वो इस बार जो है डिजीज कॉज कर रही है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू द वायरस, मतलब वायरस से तो मिलता जुलता है लेकिन इस बार उसके अंदर RNA नहीं था, वो प्रोटीन था, केवल प्रोटीन था। दीज एजेंट्स वाल कॉल, तो इन एजेंट्स को हमने कह दिया कि भाई ये प्रियॉन्स है, तो इसका मतलब देख लो आपकी वायरस का प्रोटीन भी, हमने कहा कि वायरस का प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होता, पहले हमने ये कहा था, बिल्कुल सही बात है, वायरस का तो नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोटीन्स अलग ऐसे निकले, वायरस में से नहीं निकले, अलग कैटेगरी है इनकी, कुछ प्रोटीन ही ऐसे हैं जो बहुत अलग तरीके से फोल्डेड होते हैं, और वो अगर लिविंग सिस्टम के अंदर पहुंच जाए, हमारे एक एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर पहुंच जाए, तो वो क्या कर सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, द नोटेबल, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल,
ये एक डिजीज का नाम है मैड काउ डिजीज, जो कि होती है, इट्स एनालॉगस टू द वेरियंट सी आर जेकब डिजीज CJD इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो होती है सी आर जेकब डिजीज, और जो मैड काउ डिजीज प्लांट में होती है वो लगभग लगभग एक दूसरे से मैच करती है, ठीक है, लेकिन CJD जो ह्यूमंस में होती है वो इससे नहीं होती है, ठीक है। ओके, देन कम्स लाइकन्स। अब ये लाइकन्स क्या है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ना NCERT में इनकी डेफिनेशंस छिपी हुई होती है। देखिए लाइकन किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, लाइकन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, ये क्या है, एक एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ लाइक एक इट्स लाइक एसोसिएशन का मतलब होता है जो जहां पे दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ आके रह रहे हैं, ठीक है। तो लाइकन में क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक तो होता है एल्गी, प्लांट वाला एल्गी, और एक होता है फंगस। तो ये आपस में एक म्यूचुअली एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं। कैसे, समझते हैं। देखिए अब क्योंकि एल्गी तो एक प्लांट है, तो एल्गी कहता है कि भाई ठीक है मैं एक काम करूंगा, क्योंकि मैं प्लांट हूं, मैं तुम्हें बना बनाया खाना दूंगा, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो फंगस को बना बनाया खाना मिल जाता है, ठीक है। अब एल्गी कहता है भाई बदले में तुम क्या दोगे, तो फंगस कहता है भाई एल्गी तुम्हारे पास तो रूट्स वगैरह है नहीं, क्योंकि तुम तो इतने डेवलप्ड हो नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा, वाटर दूंगा, साफ वाटर, और साथ में तुम्हें अच्छे अच्छे मिनरल्स ला के दूंगा। तो वाटर और मिनरल्स फंगस प्रोवाइड करता है, बदले में पका पकाया फूड कौन देता है, एल्गी देता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। ऐसे पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। अब एल्गी जो है इसको बोलेंगे, क्योंकि ये सिम्बायोसिस करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बोलेंगे सिम्बायोंट। ये सिम्बायोंट इसीलिए बोला है क्योंकि सिम्बायोसिस करने वाला एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, इसके बिना सिम्बायोसिस नहीं हो सकती, कुछ और लगाने नहीं। और लाइकन हम इसी एसोसिएशन को बोलेंगे, अगर एल्गी की जगह हमने एक कोई एंजियोस्पर्म लगा दिया, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, कोई और कैटेगरी लगा दी, तो हम लाइकन नहीं बोलेंगे। फंगस में भी ऐसा नहीं है कि फंगस की जगह हम कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं, यही होना चाहिए। तो ये भी एक सिम्बायोंट है, क्योंकि ये भी सिम्बायोसिस कर रहा है। तो मतलब जो भी कोई अगर सिम्बायोसिस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एक एसोसिएशन है जिसमें सिम्बायोसिस परफॉर्म होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, है ना, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कॉम्पोनेंट, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, एल्गी वाला जो पार्ट है, हम इसका नाम, एक तो क्या वो स्पेसिफिकली इसी का नाम क्या रखा है हमने, फाइकोबायोंट। क्या रखा है हमने, फाइकोबायोंट, ठीक है, अच्छा। और जो फंगल कंपोनेंट है उसको, इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, माइकोबायोंट, MYCO, माइको बायोंट। एल्गी वाले जो टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम एल्गी को जनरली क्या वर्ड देते हैं, माइको, है ना, तो माइकोटा क्लासेस वगैरह। तो ये माइको वर्ड जो है वो एल्गी से रिलेटेड है, और फाइको वर्ड जो है वो जनरली प्लांट से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई इनको एक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो माइको बायोन्ट एंड फाइको बायोन्ट, तो ध्यान रखिएगा फंगस के लिए माइको है एंड एल्गी के लिए फाइको है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। मतलब एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक है ऑब्वियसली, लेकिन फंगस क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। द एल्गी प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगस एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। फंगस के लिए एब्जॉर्ब करता है। सो इज देयर क्लोज सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन द नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। मतलब अगर आप लाइकन को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स है, आपको लगेगा एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, नीट में भी पूछा जाता है कि लाइकन जो है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये पॉल्यूशन बता सकते हैं कि कहाँ पे पॉल्यूशन है कहाँ पे नहीं। कैसे, देखिए दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरियाज। मतलब मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है
और उस वाटर बॉडी का हमने सैंपल लिया, अब पता करना है कि वो वाटर बॉडी पोल्यूटेड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें लाइकन ग्रो करके देखेंगे। लाइकन ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वाटर बॉडी क्या है, साफ है। और अगर ग्रो नहीं कर रहा तो इसका मतलब पोल्यूटेड है। कैसे पता लगा, दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरियाज। अगर पोल्यूशन होगा तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो सैंपल लिया और उसमें हमने टेस्ट करा कि लाइकन ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा। अगर ग्रो कर रहा है लाइकन तो सिंपल इसका मतलब पोल्यूशन नहीं है, और अगर ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर रहा इसका मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, सो फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट, ओके। एंड यू कैन प्रैक्टिस द MCQs एट दिस पर्टिकुलर लिंक, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।